अस्सलाम वालेकुम आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन आई एम योर टीचर आमना आमाद एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो वी आर रीडिंग अबाउट चैप्टर फाइव दैट इज़ फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस मैटर में जितने भी फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस आते हैं वो क्या होते हैं इनकी क्या क्या फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं आज हम इस चैप्टर का होल रिव्यू करने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा सो so, देखते हैं फर्स्ट वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस वाइल कंसिडरिंग डेली लाइफ एग्जाम्पल्स सबसे पहले हमने देखा कि जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हमने जो डिफरेंस हमने देखे वो हमने डेली लाइफ की एग्जांपल्स यूज़ करते हुए देखे कि उन एग्जांपल्स में क्या क्या फ़िज़िकल और केमिकल चेंजेस हैं उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं सो फर्स्ट में हमने देखा कि आइस जो है वो मेल्ट करती है और वाटर में चेंज होती है तो वाटर और आइस जो है वो एच टू ओ ही हैं उनकी सिर्फ स्टेट चेंज होती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो सेम रहती है इसी तरह जब वाटर लिक्विड में लिक्विड वाटर गैश्स में चेंज होता है तो स्टेट्स चेंज होती है सिर्फ केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती तो ये क्या है ये फिजिकल चेंज है नेक्स्ट इज़ जब आयरन पे रस्ट लगता है जंग लगता है तो आयरन जो उस पर आयरन पे एक न्यू लेयर आती है वो बिल्कुल एक न्यू मटेरियल होता है जिसको हम वापस नहीं कर सकते और ये इससे बिल्कुल जो आयरन की कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है आयरन के मटेरियल की तो ये क्या है ये केमिकल चेंज है नेक्स्ट इज़ रिकोगनाइज दैट ऑक्सीजन इज़ नीडेड इन कम्बशन रस्टिंग एंड टार्निशिंग, नेक्स्ट इज़ वैल्यूएट इंपैक्ट ऑफ कम्बशन रिएक्शन ऑन इन्वायरमेंट उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कम्बशन रिएक्शन है उसमें ऑक्सीजन किस तरह से ज़रूरी होती है लाइक uh, like, uh, जो वुडन लोग हैं वो uh, जब हवा के साथ रिएक्ट करता है तो हवा में जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है ऐश बनाता है डेट इज़ अ टोटली न्यू मटेरियल तो ये चेंज जो है वो केमिकल चेंज है और इसमें ऑक्सीजन जो है वो ज़रूरी होती है इस रिएक्शन में और आ, इसके बाद हमने देखा कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इस सॉरी इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं इन्वामेंट पे लाइक like जो कम्बशन है जो बहुत बड़े पैमाने पे हम फॉसिल फ्यूज जला रहे हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है उसके बाद हमने देखा कि जो दूसरे प्रोसेस हैं लाइक रस्टिंग जो आयरन पे जंग लग जाता है आयरन आयरन uh, को जब हम आयरन मटेरियल को मॉइस्चर इन्वायरमेंट में रखते हैं तो आयरन मटेरियल ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है और आयरन ऑक्साइड बनाता है तो एक ब्राउनिश लेयर जो है वो आयरन पर जम जाती है जो उसको uh, तबाह करती है क्रोइन पैदा करती है और Uh, जो आयरन uh, जो लेयर है ये वो क्या है रस्टिंग है उसको हम डिफरेंट uh, वेज हमने देखे किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय ग्रीसिंग द आयरन इसके अलावा गेलविनाइजिंग बाय कोटिंग द लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन मटेरियल इसके अलावा हम ऑयलिंग कर सकते हैं नेक्स्ट हमने देखा कि जो टार्निशिंग है उसमें ऑक्सीजन जो है वो नीडेड होती है इस प्रोसेस में जो सिल्वर का मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ एक्ट करता है और ये एक ब्लैकिश लेयर बन जाती है सिल्वर मटेरियल पे जो कि टार्निशिंग कहलाती है नेक्स्ट इज रिलेट यूजेस ऑफ मटेरियल्स टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल्स हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थर्मल कंडक्टिविटी एंड सॉलिबिलिटी और ये जो डिफरेंट uh, प्रॉपर्टीज़ uh, हैं वो किस तरह से रिलेट करती हैं विद द यूजेस ऑफ मटेरियल्स किस तरह से स्पेसिफाई करती हैं मटेरियल के यूज़ को लाइक like, जो टंगस्टन का मटेरियल है वो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस uh, में यूज़ होता है क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है इसके अलावा जो सॉल्ट uh, है उसकी सॉलीबिलिटी uh, जो है वो हाई uh, होती है उसकी सोलिबिलिटी uh, ज़्यादा होती है वो अच्छे से सोल्व हो जाता है इसलिए उसको एज़ आ सोलिबल मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है और जो आ, स्टील और स्टेनलेस के जो बर्तन होते हैं वो हीट को इजीली कंडक्ट कर लेते हैं तो इसलिए उनको कुकिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसके अलावा जो सॉल्ट है वो पानी की पानी का बॉयलिंग पॉइंट जो है वो कम कर देते हैं तो माउंट माउंटेनिंग एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आ, खाना पकाने में नमक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि खाना जो है वो अच्छे से गल जाता है और पानी देर से बॉयल होता है नेक्स्ट इज़ रिलेट यूजेस ऑफ मटीरियल्स टू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज फॉर एग्जाम्पल टेंडेंसी टू रस्ट एंड फ्लेमेबिलिटी डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नेक्स्ट हमने देखा कि जो मटीरियल्स uh, की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं लाइक टेंडेंसी टू गेट रस्टेड आयरन की प्रॉपर्टी है तो आयरन को आयरन uh, की इस प्रॉपर्टी को जानने के बाद हम uh, इस चीज़ को डिसाइड करते हैं कि आयरन को मॉइस्चर uh, जो इन्वायरमेंट है उसमें किस तरह से यूज़ किया जा सकता है तो हम आयरन पे डिफरेंट कोटिंग यूज़ करते हैं ग्रीस और ऑयल की कोटिंग या फिर गलवेनाइजिंग करते हैं जिससे हम आयरन को मॉइस्चर एयर में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद फ्लेमेबिलिटी की uh, जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल लाइक जो, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं और वुड है उनकी uh, इस प्रॉपर्टी को देखते हुए कि वो फ्लेमेबल हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं सो so, ये मटेरियल मेटीरियल उनकी फ्लेमेबिलिटी प्रॉपर्टी को देखते हुए इस्तेमाल करते हैं सो so, उसके बाद हमने देखे कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पेरेंट्स को शो करवाती हैं इसमें कोई न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता केमिकल रिएक्शन नहीं होता और जो फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल कंपोजिशन के बारे में बताती हैं उसकी टाइप के बारे में बताती हैं इसमें केमिकल रिएक्शन नीडिड होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो केमिकल कंपोजिशन चेंज होती है और एक न्यू प्रोडक्ट मिलता है सो so, होमवर्क है आपने होमवर्क करना है सर्च आउट एग्जैम्पल्स ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ्लेमेबिलिटी एंड टेंडेंसी टू गेट ट्रस्टेड आपने डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखनी है ऑफ यूज़ ऑफ डिफरेंट मटीरियल ये आप होम uh, लेवल पे या फिर इंडस्ट्रियल लेवल दोनों पे देख सकते हैं डिफरेंट इग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट सॉलिबिलिटी एंड थर्मल कंडक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं टेंडेंसी टू गेट रस्ट एंड फ्लेमेबिलिटी सो इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए आपने डिफरेंट एग्जाम्पल uh, सर्च करनी है उनकी लिस्ट बनानी है अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से बनाई या नहीं और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है सो आई होप यू एंजॉयड द होल रिव्यू ऑफ दिस चैप्टर थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़